करीबन 22 मिनट बाद वो व्यक्ति फिर से फोन करता है और बोलता है आपकी बेटी आत्महत्या कर लिया है। और जब घटना के समय वह चीखी चिल्लाई होगी तो उसके साथियों ने क्यों नहीं सुना? और दूसरी तरफ आरोपी ने खुद को फांसी पे लटकाने के लिए गुहार क्यों कर रहा है? क्या सच में आरोपी यही है या इसे फंसाया गया है? 9 अगस्त 2024 सुबह के 10 बज रहा था, तभी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल से एक फोन आया। उस फोन उठाने के बाद फोन उठाने वाले व्यक्ति को एक आवाज सुनाई दी जो बोल रहा था कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, जल्दी से आ जाओ। ये बात सुनते ही उसके पिता की होश ना रहा, आंखों से आंसू टपकने लगे थे और वो जमीन पे धड़ाम से गिर गए। बेजान लाश की तरह कैसे तैसे करके अपनी पत्नी के पास गए। इस हालत में देखकर उनकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे। फिर उन्हें बतानी पड़ी। उसके बाद जो हाल उस माँ को हुआ वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर वो दोनों भाग कर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जो देखा वो काफी दर्दनाक और भयभीत करने वाला दृश्य था। उनकी नजरों के सामने उनकी बेटी लेटी हुई थी जो अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ पड़ी थी। ये सब देखकर वो अपनी सारी होश खो चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। बस एक मुर्दे लाश की तरह सिर्फ चिल्ला रहे थे कि बेटी उठ जा, कुछ नहीं हुआ है मेरी बेटी को, देखो मेरी बेटी अभी उठेगी। लोगों ने उन्हें समझाया और डॉक्टर की बड़ी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे हुए हैं जो जबरन संबंध बनाने के कारण लेडी डॉक्टर के निजी अंग पर गहरा घाव पाया गया है। लेडी डॉक्टर का दरिंदों ने लगातार गला, नाक और मुंह को दबाया रखा। इसके कारण डॉक्टर का थायराइड कार्टिलेज टूट गया। दरिंदों ने महिला डॉक्टर का सिर दीवार से सटा दिया जिससे वह जोर से चिल्ला न सके। पेट पर फाइट से मारा गया, इसके कारण पेट, होंठ और अंगुलियों सहित बाएं पैर पर चोट है। दरिंदों ने महिला डॉक्टर के साथ इतनी दरिंदगी के साथ बलात्कार किया कि उसकी आंख का चश्मा टूट कर उसकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों से खून बहने लगा। फिर भी दरिंदे नहीं रुके और अपनी वहशियाना दरिंदगी जारी रखी और फिर उसके निजी अंगों से भी खून बहने लगा। महिला डॉक्टर के चेहरों को नाखूनों से दरिंदों ने खुरच डाला। इससे साफ पता चलता है कि महिला ने बचने का पूरा संघर्ष किया लेकिन वहशी दरिंदों ने उसे नोच डाला। दोस्तों, मेरे ख्याल से आरोपी संजय रॉय एक अकेला कातिल नहीं है, उसके साथ और भी आरोपी शामिल है जिन लोगों ने मिलकर लेडी डॉक्टर के साथ घिनौना हरकत किया। दोस्तों, जब सीबीआई ने अस्पताल के उन 4 जूनियर डॉक्टरों से भी पूछताछ किया जिन्होंने घटना से पहले लेडी डॉक्टर के साथ डिनर किया था, तो उन लोगों ने बताया कि वो हम लोगों के साथ खाना खाकर बोली कि मैं सेमिनार रूम में सोने जा रही हूँ। तभी दरिंदों ने उसके साथ गलत कर दिया, तभी उस पर एक या एक से अधिक लोगों ने हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे इतनी बेरहमी से मार डाला कि उसकी गर्दन और पेल्विस टूट गई। सीबीआई ने यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले क्या हुआ था और घटना के समय जब वह चीखी चिल्लाई होगी तो उसके साथियों ने क्यों नहीं सुना। दोस्तों, इस मुद्दे पे अभी जांच चल रही है, जैसे ही पुख्ता रिपोर्ट सामने आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं उस डॉक्टर की लाइफ के बारे में। दोस्तों, उस माँ बाप की बेटी का बस एक ही लक्ष्य था, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना जिन्होंने अपने सुख चैन की कुर्बानी देकर उसे आगे बढ़ाया था। वो पेश से डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर, जो पढ़ाई के साथ डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी कर रही थी। वह अपने पूरे बैच में टॉप करके गोल्ड मेडल पाने का इरादा रखती थी। लाखों मिडिल क्लास लड़कियों की तरह वो भी एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहाँ प्यार तो बहुत था लेकिन पैसे कम थे। उसके लिए कुछ भी आसान नहीं था। कोलकाता के भीड़भाड़ वाले इलाके सोडपुर के एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक हर कदम उसके लिए एक नई उम्मीद थी। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उसके पिता ने अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान पर दिन रात मेहनत की, पैसे बचाए और उसने भी स्कूल कॉलेज में पूरी ताकत लगा दी ताकि उसका सपना अधूरा न रह जाए। वह एक समझदार बेटी थी, ऑटो, रिक्शा, ट्रेन से स्कूल, कॉलेज या दोस्तों के साथ जाती, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। बस यही चाहती थी कि उसके लिए कोई अलग नियम न बने और वो अपनी मेहनत की दम पर आगे बढ़े, पापा की कमाई से नहीं। वे एक दूसरे के लिए जीते थे, बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया।
उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके जीवन में प्यार और पैसा दोनों आने वाले थे। घर का कर्ज उतर जाएगा और पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी। माँ बाप, दोस्त, टीचर सब उसे फाइटर कहते थे। वो हार नहीं मानने वाली लड़की थी। एक रात ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो बेटी अब दुनिया में नहीं रही। कुछ दरिंदों ने बेरहमी से उसका बलात्कार करके हत्या कर दी है। पीड़िता के 67 वर्षीय पिता ने हमारे सहयोगी संस्थान टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत कठिनाई से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में चकनाचूर हो गए। वह MBBS के उन छात्रों के एक बैच से थी जिन्होंने कोविड महामारी का खौफनाक दौर देखा था। मरीजों की सेवा करना उसको अच्छा लगता था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज को वह अपना दूसरा घर कहती थी। वह मरीजों के इलाज में दिन रात लगी रहती थी। 9 अगस्त को 36 घंटे की बिना रुके ड्यूटी के बाद वह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सो गई थी। तभी उस पर एक या एक से अधिक लोगों ने हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे इतनी बेरहमी से मार डाला कि उसकी गर्दन और पेल्विस टूट गई। अगली सुबह सेमिनार रूम में आए इंटर्न और साथी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने उसका शव पाया। उसका लैपटॉप, नोटबुक और सेलफोन उसके बगल में सही सलामत पड़ा था। एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके सहयोगियों और माता पिता को विश्वास नहीं है कि वह इस अपराध में अकेला शामिल था। माता पिता ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद CBI ने मामला संभाल लिया है और अब तक उसने कुछ सहपाठियों, सहयोगियों, वरिष्ठ शिक्षकों, प्रिंसिपल और अस्पताल के अधीक्षक से पूछताछ की है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ ये दरिंदे जब पकड़े जाए तो इनके साथ क्या किया जाए। दोस्तों, एक और घटना है जो अपने ही बेटी काट दिया। दोस्तों, ये बात शाम के करीब 7:30 बजे का है। मोहन कुमार खंडेलवाल पटना में स्थित अपने होटल में ही रह रहा था। तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। वह कॉल एक अनजान नंबर से आई थी। जिस तरह वह अन्य कॉल्स को रिसीव करता था, उसी तरह उसको भी रिसीव कर लिया। और जैसे ही हेलो कहा, तभी दूसरी ओर से आवाज आई, तुम्हारे बेटे शिप। वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि हर एक के पास वीडियोस पहुंच सके। सो वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना।